हाय एवरीवन, पिछली क्लास में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताया था। ये पार्ट सेकंड है। अब रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं आज इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, कितने भी निकाल सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। यानी एक रैशनल नंबर बताना है किसके बीच में, -2 एंड 6 के बीच में। ये देखो, -2 एंड 6 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है। देखो, हमने एक चीज़ देखी थी, लिख सकता हूँ, यानी 3/5 इस 3/5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी। यानी कभी भी हमें दो इक्वल टर्म्स होती है, इक्वल करना हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो -6/5 एंड 18/5, -6/5 और 18/5 के बीच में बहुत सारे। यानी देखो, -6 के बाद -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, --, 17 तक जाएंगे। तो ये सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे इसके बीच में। ये सारे, यानी -5/5, -4/5, है ना, -3/5, -2/5, --, तो ये एक रैशनल नंबर निकल सकता है। यानी इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इसी का एक दूसरा मेथड होता है। इसी का क्या होता है, एक दूसरा मेथड और होता है। ये मेथड फर्स्ट लिख देते हैं इसको, और ये मेथड नंबर सेकंड लिखते हैं। देखो, -2 इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। -2 + 6/2, यानी 4/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट गया तो 2 बच गया। यानी -2 फिर 2 फिर 6, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ये नंबर आ गया एक, है ना। अब देखो, हम इन दोनों को भी कर सकते हैं और फिर इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो देखो, हम करते हैं 2 + 6/2 मीन्स 8/2 क्या आ गया, 4 आ गया। इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखो, -2, 2, 4 और 6, है ना, इसके बीच। हम इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं। तो देखो, -2 + 2/2 मीन्स 0/2 मीन्स 0 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, 3/5 एंड 4/5, सेम फर्स्ट मेथड वाला लेते हैं इस तरह का, कि इमेज डिनोमिनेटर सेम है। तो किसी भी नंबर से मान लो 2/5 कर दिया एंड 4/5, 3/5 था ना, मल्टीप्लाई 2/5, दोनों को कर दिया, तो क्या 3 × 6, 6/25 हो गया एंड 8/25। तो देखो, इन दोनों के बीच में एक ही नंबर आया, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो 3/5 एंड 4/5 को हम कितने बड़े नंबर से करें, मान लो 7 से करें, 7 से कर दें, मल्टीप्लाई बाई 7। 7 × 3 = 21, 21/5 एंड 28/5। तो इसके बीच में कितने आ जाएंगे अपने पास, 22/5, 23/5, 24/5, 25/5, 26/5, 27/5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें कितने फाइंड आउट करने थे, 5। ये देखो, 6 आ गए। इस तरह से हम इन रैशनल नंबर के बीच में सॉल्व, इन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।